फिर एक छोटी सी बात बतानी है, हेलमेट मत पहना करो, बहुत ही फालतू चीज है, कुछ काम नहीं आती है, ठीक है। तो अरे भाई, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने वीडियो का टाइटल गलत रख दिया। तो वीडियो का टाइटल मैंने बिल्कुल सोच समझ के और बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखा है, और वो क्यों रखा है वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। हाँ तो भैया, सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो भैया आज है तारीख 19 मई और सुबह के बज चुके हैं 10। तो भैया रोज की तरह हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर अपने रूम में आ चुके हैं, और अभी मेरे को रोहतक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैपटॉप माशा है, ये इनमें बहुत सारे अपडेट्स आ रखे हैं, कुछ ड्राइवर्स के, कुछ विंडोज़ के हैं, और कुछ एंटीवायरस का भी कम्प्लीट एक अपडेट आ रखा है, और मेरे को इसमें एपेक्स लेजेंड भी इंस्टॉल करना है और पबजी एमुलेटर भी। तो लगभग इसके अंदर मेरे को चाहिएगा अभी 30 से 35 GB डेटा। अब आपको पता है मैं रहता हूँ गाँव में, और गाँव में अपने वाईफाई है नहीं, और डेली मेरे को नेट पैकेज मिलता है 5 GB, मतलब 3 एयरटेल में, 2 Jio में, तो टोटल 5 GB। अब 5 GB में ये काम हो नहीं सकता, तो इसलिए आज हम जाएंगे राहुल भाई के घर, क्योंकि उनके घर है वाईफाई और उनका घर मेरे घर से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। तो इस बार ने थोड़ा मोटो व्लॉग भी हो जाएगा और थोड़ा राहुल भाई से मिल के भी आ जाएंगे। तो यार बड़े बड़े दिनों बाद बाहर निकलते हैं ना, तो बड़ा अजीब लगता है। वैसे यार अभी सच बताऊँ तो खैर अभी 11 बजे हैं, 11:30 का शायद टाइम हो रहा है, और गर्म हवा जिसे लू बोलते हैं ना, लू चल रही है, कसम से बहुत गर्मी हो रही है। क्योंकि यार बाहर तो निकल ही नहीं ना, इसलिए गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, कि सारा दिन घर में रहते हैं, आराम से पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी वालों का एसी चल रहा है, और जब बाहर निकलते तब पता चलता है भाई कि हाँ गर्मी वाकई है। जब तक बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था ना, जब तक रोहतक ऑरेंज जोन घोषित नहीं किया था, जब तक मैं गर्मी रहता था, मेरे को नहीं यही लगता था कि यार इस साल पता नहीं गर्मी कम पड़ रही है। लेकिन जिस दिन ऑरेंज जोन हमारे रोहतक को किया, और उस दिन जब मैं बाहर निकला, जब पता चला भाई कि गर्मी वर्मी कुछ कम नहीं है, गर्मी उतनी है, बस मैं घर के अंदर हूँ। वैसे एक हिसाब से देखा जाए ना यार, हम लोग यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि ये जो चीज़ है ना, मतलब जिस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि कैसे मज़दूर जो हैं वो रोज़ मर रहे हैं, पिट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इन चीज़ों पे फोकस ना जाके हम लोगों का ज़्यादा फोकस है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, कि भैया टिकटॉक की प्ले स्टोर रेटिंग कितनी हो गई है, किसने किसको गाली दे दी, किसने किसकी वीडियो बना दी। इवन मैंने खुद एक वीडियो बनाई है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे। लेकिन ये जो मामला है ना, अभी इतना मतलब बड़ा होता जा रहा है कि सारी चीज़ों पे से फोकस हट के यूट्यूबर से टिकटॉक पे आ गया है, सारी चीज़ों का फोकस हट के। तो आज जब मैं सुबह उठा, जब मैं ऐसे ट्विटर चला रहा था, तब मैंने ट्विटर पे देखा था यार बहुत सारे मज़दूर लोगों की फ़ोटो, मतलब कैसे यार वो ट्रैक्टर ट्रेलियों में और ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भर के जा रहे हैं, तो ख़राब लगता है यार थोड़ा, अब क्या ही करें। पहले जैसे हालात होने में यार बहुत टाइम लगने वाला है अभी। और अभी केसेस की बात करूँ तो यार केसेस चाइना से ज़्यादा हो चुके हैं इंडिया में, बहुत ख़तरनाक सीन हो रहा है। पता नहीं यार क्या ही होगा आगे ना, कब वो नॉर्मल दिन जाएंगे, जब हम नॉर्मली बाहर निकलेंगे, नॉर्मली दोस्तों से मिल के आएंगे, नॉर्मली कहीं खाना खाएंगे आराम से किसी होटल शोटल ढाबे वाबे में, है कि नहीं। इवन मेरा तो यार लॉकडाउन से पहले ना, मैंने मीटअप राइड का प्लान भी बनाया था उत्तराखंड का 4 दिन का, तो यार वो भी लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो गया था। पर चलो कोई नहीं यार, नॉर्मल दिन आएंगे, वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस यार धैर्य रखना है। तो ये आ गया राहुल भाई का घर। राहुल भाई नमस्कार सर, नमस्ते, हाथ हाथ नहीं सर, सर नमस्कार। और कैसे हो? पहले मैं हाथ धो लेता हूँ। अरे साबुन से ही रगड़ देंगे हम। ओए अभी नुकसान कर देता मैं। ये हमारे राहुल भाई की कॉन्टिनेंटल GT 650। ओहो बहुत सर्दी यार बाहर, बहुत सर्दी है बाहर तुम्हारी छत पे सर। ओ भाई क्या खतरनाक ही धूप। तो भाई साहब ये हमारे राहुल भाई के डंबल शंबल, इसके नीचे रखे। अच्छा धूप से बचाने के लिए, ये परसों कला कर रहे थे सब पे। अच्छा हाँ स्टोरी देखी थी मैंने, जंग लग गया था इन पे। हाँ नीचे रखी हुई। अच्छा भैया ये है हमारे फिटनेस राइडर, इनका चैनल भी है फिटनेस राइडर, और लॉकडाउन के चलते देखो
बाल ही बढ़ गए। बाल तो बढ़ी गए भाई साहब, मतलब ये होती डेडिकेशन, बंदे ने अभी छोड़ी नहीं है। और यहाँ पर बेंच, मतलब सब कुछ उठा के पेंट वेंट मार के भाई खतरनाक है। अब तो मेंबरशिप देनी शुरू कर दो आसपास। स्टार्ट कर ही अभी है कि नहीं, एक महीना फ्री उसके बाद फिर मेंबरशिप। अभी नीचे लैपटॉप में चल रहा है काम, उसके बाद जाते बाहर। और धूप खतरनाक है भाई, है कि नहीं। शाम तक रहेगी तो 4-5 बजे। चलिए भैया देखते कब तक लैपटॉप में डाउनलोड डाउनलोड होता है, चलते हैं फिर नीचे। चलो कल हो जाएंगे, वैसे काल लेते आओ। ले लिया सामान वाला सर? हाँ सब ले लिया। चलिए सर नमस्कार। ओ नमस्कार। ये बेचारे भी घर लास्ट कब चलाई थी? कल। कल ही चलाई थी? अच्छा। हाँ मेरी भी यार एक्चुअली बहुत गंदी हो रखी है, मेरे को भी नहलानी धुलानी पड़ेगी। ओ हो, गर्म सीट पे बैठने का दर्द है। अरे हाँ जाली तो मैंने पहले ही उतार दी थी। एक डल्लू पानी ला दो भाई, इस पे बैठूंगा तो भाई पिघल जाऊंगा यार, बहुत गर्म है। पानी मंगाया राहुल भाई से, पता चला घर जाते छाले हो गए। घर ही जा रहे क्या? हाँ घर ही जाऊंगा, और क्या, और क्या है हमारे पास करने को लॉकडाउन में। ओ भाई बाय भाई। फाइनली घर आ गए। तो यार सुबह मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि हेलमेट मत पहनो, फालतू की चीज़ है। अब ये जो पॉइंट है ना, मतलब हाँ मेरे को पता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार स्टोरी सुनाने से पहले एक बार आप ये वीडियो देखो। तो अभी जो आपने वीडियो देखी, ये मेरे फेसबुक की न्यूज फीड में आई थिंक कल या परसों आई थी। ये वीडियो में हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एक लड़का है, स्कूटी से वो आ रहा था और पुलिस वाले ने उसको रोका। तो पुलिस वाला जैसे ही उसकी स्कूटी की चाबी निकालने लग गया, तो लड़के ने कहा कि आप मेरी चाबी क्यों निकाल रहे, आप चाबी नहीं निकाल सकते। तो इसी बात पर पुलिस वाले ने डंडा मार दिया, और गलती से या फिर पता नहीं कैसे भी डंडे का एक एंड उस लड़के की बिल्कुल आंख पे जाके लगा और उसकी आंख अंगूर की तरह फूट गई। जैसे ही डंडा उसकी आंख पे लगा, स्कूटी वहीं की वहीं गिर गई, क्योंकि उसने उसको ऑफकोर्स यार अपनी आंख संभाल ली, स्कूटी गिरी और वो साइड में हो गया बंदा। फिर उसके आगे की एक और क्लिप है, उसमें वो थोड़े गाली गलोच कर रहा है, ऑफकोर्स करेगा यार। तो वो तो मैं देखो अपनी वीडियो में डाल नहीं सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस पूरी वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना आप लोग उस लिंक में क्या क्या हुआ है। तो वो वीडियो अगर आप पूरी देखोगे ना, तो आपको बहुत दया आएगी उस लड़के पे कि भाई उसकी आंख ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ही यंग लड़का है यार वो, और एक आंख उसकी परमानेंट डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं गलती की। तो जहाँ तक देखा जाए तो मुझे लग रहा है पुलिस वाले की गलती है कि उसने एकदम से डंडा मारा बिना देखे और वो जाके सीधा उसकी आंख पे लगा। गलती से लगाया कैसे लगा वो बाद की बात है। तो चलो भाई ठीक है, गलती भी पता चल जाएगी यार किसकी है, क्या है और क्या नहीं है, केस को सब हो जाएगा, सारी बातें सोल्व हो जाएगी। लेकिन मेन ये है कि क्या उस लड़के की आँख वापस आ सकती है? उसका सीधा सा जवाब है नहीं, उसकी आँख वापस नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुआवजा मिल जाए, चाहे कुछ भी, मतलब आगे कुछ भी होता रहे, लेकिन यार उस बंदे की आँख नहीं आ सकती। अब मैं ऐसा ज्ञान भी नहीं आपको दूंगा कि भैया मैं तो हमेशा हेलमेट पहनता हूँ, हमेशा हेलमेट पहनो, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे ने, मतलब लड़के ने जो भी था वो, अगर उसने कहीं ना कहीं हेलमेट पहना होता तो पुलिस के डंडे से वो बच सकता था। आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि हेलमेट होता तो डंडा अगर आता भी तो हेलमेट यार उसको बचा लेता। लेकिन कई बार हम भी यही गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि यार लोकल में जाना है, फिर पास में जाना है, क्या हेलमेट लगाना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना भाई रुक आप गई यार, आप सोच के देखो, आप अपनी आंख पर थोड़ा सा भी दबाओगे ना आपको दर्द होगा, और सोचो कि बहुत तेज स्पीड से आपकी तरफ डंडा आँख पर आपकी आँख पर लग जाए, रुक आप जाती यार। वो जब वीडियो देखी ना मैं एकदम से, मतलब क्या हो गया यार ये। तो ये है ना कि जब भी हम कहीं आसपास जाते हैं ना, इवन मेरे को भी कभी आसपास जाना होता है, मतलब 1-2 किलोमीटर कभी जाना होता है आसपास कहीं पे, तो मैं भी बिना हेलमेट निकल जाता हूँ। तो मे भी वो लड़का ऐसे निकला होगा कि यार बाजार में ही तो जाना एक बार चल पड़ते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि भाई आगे बंदा एक डंडा वाला मिल जाएगा, पुलिस वाला मतलब मिल जाएगा सॉरी, और उसकी आंख पे डंडा पड़ जाएगा। अब यार ऐसा है कि हेलमेट पहनना चाहिए, तो कोशिश करो हेलमेट पहनने की, ठीक है? क्योंकि मुझे ही पता है अगर आपको लगा लो 500 मीटर भी जाना और आप वहाँ पे हेलमेट लगाओगे और जाओगे फिर निकालोगे तो थोड़ा बहुत है झंझट, लेकिन क्या पता है उस 500 मीटर में आपके साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह जैसे इस भाई के साथ हो गया। तो यार देखो लाइफ का ना कुछ पता नहीं है,
तो हेलमेट लगाओ यार, कैसा भी हो चाहे वो, अगर उसके पास 100 रुपए का हेलमेट भी होता ना तो बच जाती है उसकी आंख। मेरे को सिर्फ मतलब इस पूरे सिनेरियो में ये नहीं देख रहा गलती किसके क्या नहीं है क्या नहीं है, लेकिन बस यार ये है कि दुख रहेगा कहीं ना कहीं यार, अगर उस लड़के ने हेलमेट पहना होता ना तो यार बात उस मतलब आज उसकी आँख उसके पास होती। बस और तो मैं क्या कह सकता हूँ, कह ही सकते हैं यार मेरे को, बस कह बताऊँ यार उस बेचारे की आँख गई। ठीक है तो हेलमेट लगाया करो। तो बस यार यही कहना था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ। जय हिंद। हर बार मैं हमेशा वीडियो के एंड में कहता हूँ राइड सेफ, तो यार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो यार, क्योंकि आप ये सोच के निकलते हो ना कि यार हेलमेट मैं लगा रहा छोड़ना क्या ये क्या ये, लेकिन आपके पीछे आपका पूरा परिवार आपका इंतज़ार कर रहा होता है कहीं ना कहीं यार, जो भी है देखो कहने का ये मतलब है मेरा। सो बाय।